नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद गहराता ही जा रहा है। कंगना 9 सितंबर को मुंबई जाने का ऐलान कर चुकी हैं। उनके पहुंचने से पहले ही मुंबई में उनके दफ्तर को बीएमसी ने सील कर दिया है। ऑफिस के बाहर नोटिस लगाकर काम बंद करने के लिए भी कहा है। नोटिस में कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए सफाई मांगी गई है। 7 सितंबर को कंगना ने खुद ये जानकारी दी है कि उनके ऑफिस पर बीएमसी वालों ने छापा मारा है। कंगना ने आशंका जताई है कि उनके ऑफिस को ध्वस्त किया जा सकता है। कंगना के ऑफिस को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1888 के सेक्शन 351 सब सेक्शन 1 के तहत सील किया गया है। बीएमसी के नोटिस की माने तो उनके ऑफिस में जो रेनोवेशन का काम चल रहा है वो बिना बीएमसी की परमिशन के हो रहा है। इसके अलावा ये आरोप भी लगाए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर पर बने टॉयलेट को ऑफिस केबिन बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर बना किचन अवैध तरीके से बना है। नए टॉयलेट्स भी गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं। ये सीढ़ी के पास और पार्किंग एरिया में है। ग्राउंड फ्लोर पर बनी कैंटीन वैध तरीके से नहीं बनाई गई है। पूजा घर के लिए वुडन फ्लोरिंग भी और मीटिंग रूम को भी अवैध तरीके से बनाया गया है। ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट लगाकर बीएमसी ने काम रोकने का नोटिस दे दिया है। कंगना रनौत ने बीएमसी के इस नोटिस पर अपनी बात ट्वीट के जरिए कही। सोशल मीडिया पर नोटिस की फोटो शेयर करके एक्ट्रेस ने लिखा, बीएमसी को सोशल मीडिया और मेरे दोस्तों से जो आलोचना सहनी पड़ी शायद इसी का नतीजा है कि वो बुलडोजर लेकर मेरे ऑफिस नहीं आए, मगर नोटिस चिपका गए हैं। ऑफिस में लीकेज सही करने का जो काम चल रहा था उसे भी रुकवा दिया है। दोस्तों, मैंने शायद बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया है, लेकिन मुझे आप सभी का सपोर्ट और प्यार मिला है। कंगना ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आरोप लगाया था कि उनके ऑफिस को बीएमसी ध्वस्त कर सकती है। कंगना ने एक और ट्वीट में लिखा था, बीएमसी वालों ने अचानक नापतौल शुरू कर दी और जबरदस्ती मेरे कार्यालय पर कब्जा कर लिया। मेरे पड़ोसियों ने जब सवाल किया तो उन्हें भी परेशान किया। अधिकारियों ने उनसे कहा, वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। मुझे जानकारी मिली है कि कल वो मेरी प्रॉपर्टी को तोड़ने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, बीएमसी की परमिशन भी है, मेरी प्रॉपर्टी पर कुछ भी अवैध नहीं बना है। बीएमसी को नोटिस के साथ एक स्ट्रक्चर प्लान भेजना चाहिए था जो दिखाए कि कहां कहां अवैध निर्माण है। आज उन्होंने छापा मारा है, कल वो बिना नोटिस मेरे ऑफिस को ध्वस्त कर देंगे। कंगना के इस ट्वीट को लेकर लगातार लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग बीएमसी की इस हरकत की निंदा करते दिख रहे हैं। इससे पहले कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो चाहती हैं कि जब वो मुंबई जाए तो हिमाचल पुलिस उनकी सुरक्षा का जिम्मा ले। इस बात पर शिवसेना नेता संजय राउत और अनिल देशमुख ने एक्ट्रेस के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की थी। कंगना को केंद्र सरकार की ओर से वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी मेघना ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।